let it bang. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वीडियो मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहता है, यूट्यूब पे ना ही तो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना चाहता है। उसके लिए चाहिए होता है गाइस हमें एक अच्छा सा ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड जो होता है थोड़ा कॉस्टली आता है, बट एक चीज़ है जो सस्ती आती है वो है गाइस ये आती है गाइस Q007 की तरफ से। काफ़ी कमाल की सेल्फी स्टिक है, साथ ही साथ ये ट्राइपॉड में भी कन्वर्ट हो जाती है। इसके अंदर गाइस आपको एक ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल बटन देखने को मिल जाएगा, जिससे क्लिक से आप फोटो एंड वीडियोस दोनों को जो है क्लिक कर पाओगे। और साथ ही साथ इसके अंदर फ्लैश भी है। इतनी सारी फंक्शनलिटी एक छोटी सी चीज़ के अंदर, और इसका प्राइस भी गाइस काफ़ी ज़्यादा कम है, ज़्यादा नहीं कम है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि वीडियो जो है आजकल हर कोई बनाता है यार, और ज़रूरत होती है एक अच्छी कॉन्सेप्ट की, एक ऐसी मतलब एक ऐसी चीज़ की जिससे हम अपना मोबाइल रख के अपने वीडियो शूट कर सके, ताकि हमें किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत ना पड़े जो हमारी वीडियो शूट करे। अभी क्या होता है, दूसरा पर्सन आ भी जाता है तो भाई फिर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, एंड डेली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस चीज़ के लिए काफ़ी चीज़ मस्त चीज़ है, मैं आपको बताऊँ तो। इससे पहले गाइस मैंने यहाँ पे वीकूल की भी अनबॉक्सिंग करी थी, बट मैं आपको बताऊं तो ये जो थी 600 की थी, और ये जो है इससे सस्ती है और इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये कैसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं गाइस। सो गाइस, बॉक्स कुछ इस तरीके का आता है, काफ़ी कमाल का इसका बॉक्स हमको देखने को मिल जाता है। तो गाइस सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं यूज़र मैनुअल के बाद हमको एक माइक्रो यूएसबी डाटा केबल देखने को मिलती है इसको चार्ज करने के लिए। उसके बाद गाइस हमको देखने मिलती है हमारी मेन सेल्फी स्टिक गाइस। तो ये है काफ़ी कमाल की सेल्फी स्टिक, आप इसका लुक देख सकते हो गाइस, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है गाइस। इसकी जो मोबाइल होल्डर है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन होगा, इसमें अपना मोबाइल इजीली लगा सकते हो। मोबाइल के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है गाइस यहाँ पे एक जो है फ्लैश लाइट, इसके बगल में एक बटन दे रखा है। बटन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो मोड है, लाइट के कम एंड ज़्यादा। ऊपर में आपको देखने को मिल जाता है गाइस चार्जिंग पोर्ट, जो चार्जिंग केबल थी वो इसी चीज़ के लिए गाइस दी गई थी। उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे कंट्रोलर दे रखा है, जिससे कि आप जिस एंगल में आपको इसको रखना चाहते हो उस एंगल में रखो। उसके बाद गाइस आप इसको यहाँ से लॉक कर सकते हो, जिससे कि ये हिलेगा नहीं। अगर आपको YouTube के लिए वीडियो बनानी है तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो, और रील्स के लिए बनानी है तो आप उसको रोटेट कुछ इस तरीके से कर सकते हो, फुली रोटेट हो जाता है गाइस। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। उसके बाद गाइस इसको व्लॉग बनाने के लिए गाइस काफ़ी आसानी से यूज किया जा सकता है कुछ इस तरीके से, तो ये काफ़ी सही है। उसके बाद अगर आप गाइस इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो उसकी हाइट भी गाइस काफ़ी ज़्यादा है। मैं अगर इसको नॉर्मल रख के दिखाऊं तो नॉर्मल देख सकते हो गाइस, ये कुछ इस तरीके का है। मैंने इसकी हाइट इंक्रीज नहीं करी है। अगर मैं आप इसकी हाइट बढ़ा के दिखाऊं तो गाइस सबसे देख सकते हो उसकी हाइट जो है कितनी ज़्यादा है, इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है, जिससे कि आप इसको इजीली एज ए ट्राइपॉड भी यूज़ कर पाओगे। और अगर व्लॉगिंग वगैरह बनाते हो और आपको चाहिए दूर के शॉट, तो गाइस वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग शॉट्स गाइस इससे आ सकते हैं। मेरे को ये काफ़ी सही लगी है। वीकूल से कंपेयर करके दिखाऊंगा गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो ये वीकूल है और ये है, तो बॉक्स दोनों के सेम आते हैं, लेकिन जब इसको ओपन कर देते हैं तो गाइस देखिए वीकूल इसके सामने कितना छोटा रह जाता है। तो गाइस ये काफ़ी कमाल लगा मेरे को, सही बताऊं तो। अभी मैं इसे शूट करके दिखाऊं आपको गाइस, तो कुछ इस तरीके से हम इसको शूट कर सकते हैं। हाइट काफ़ी सही है, अभी मैं बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूं तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो गाइस इसको देख सकते हो आप, ये मेरी कमर तक आ रहा है, तो इसकी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं इसको नाइट में शूट करके देखूं तो इसका जो फ्लैश लाइट हम चेक कर लेते हैं, तो गाइस अभी देखिए बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। और अब गाइस आप देखिए ये फर्स्ट मोड है और ये सेकंड मोड है, तो कितने सारा चेंजेस ये लेके आ जाता है। फ्रंट में हमें मोबाइल में फ्लैश लाइट देखने को नहीं मिलता, तो गाइस ये इसमें काफ़ी अच्छा काम में आ जाता है। तो गाइस ओवरऑल मेरे को काफ़ी सही चीज़ लगी। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो गाइस जो हमारा व्यूकूल था वो 600 का था, काफ़ी कॉस्टली पड़ता था, और जब मैंने अभी इसको बाय करा गाइस तो ये हमको 400 से 450 रुपए के बीच में मिल जाता है। उसकी बिल्ट इन क्वालिटी की बात करूँ तो गाइस तो ये व्यूकूल से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है, हैवी भी है, और ये आपको मोबाइल को इजीली मतलब संभाल भी लेगी। ऐसा नहीं है कि मोबाइल लगा दोगे तो हिलेगा, ऐसे हिलता भी नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। बाय करना चाहते हो गाइस तो अमेजोन फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिएगा गाइस। और अगर फिर भी अगर नहीं मिले तो हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। व्लॉगर अगर आप हो या व्लॉगिंग करना चाहते हो तो मैं आपको वैसी चीज़ बिल्कुल सजेस्ट करूँगा। और अगर आप घर में वीडियो बनाते हो बैठ के, जैसे कि मैंने देखे बहुत सारे यूट्यूबर जो होते हैं घर में वीडियो बैठ के बनाते हैं, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी सही है। खड़े होकर तो आप इसे वीडियो बना नहीं पाओगे क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट इसकी नहीं है, लेकिन बैठ के गाइस आप इस ट्राइपॉड की मदद से आप वीडियो शूट कर सकते हो, व्लॉगिंग में गाइस काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा। सो गाइस बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हो, जिससे गाइस मैं आपके लिए ऐसे कमाल कमाल के प्रोडक्ट और ऐसे कमाल कमाल के वीडियोस लाता रहूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।